हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 2 वर्ण विचार पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले इसमें आता है वर्ण। वर्ण क्या होता है? देखिए, दो शब्द हैं यहाँ पे, किताब और बुढ़िया। तो दिए गए किताब और बुढ़िया शब्दों की रचना वर्णों से यानी कि ध्वनियों से हुई है। इन दोनों शब्दों में प्रयुक्त ध्वनियाँ हैं, देखते हैं कौन कौन सी। जैसे किताब में क प्लस ई प्लस ता प्लस आ प्लस बा प्लस आ, इसका मतलब हुआ कि ये ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती हैं जब हम बोलते हैं किताब। तो टोटल कितनी ध्वनि हो गई? 1 2 3 4 5 6। तो 6 ध्वनि किताब बोलते समय हमारे मुख से निकलती हैं, और इनको खोल के यानी कि टुकड़े कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस प्रकार सबसे छोटी ध्वनि को जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सके वही वर्ण कहते हैं, उन्हें ही हम वर्ण कहते हैं। ये हैं जैसे वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है इस जिसके टुकड़े नहीं की जा सकते, ठीक है बच्चों। तो ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब आती है हमारी वर्णमाला, ठीक है। प्रत्येक भाषा की लिपि में बहुत से वर्ण होते हैं। जब उस भाषा के सभी वर्ण एक साथ रखे जाते हैं तो वह समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में वर्णों का एक निर्धारित क्रम होता है, इसलिए सभी वर्णों के अव्यवस्थित समूह को वर्णमाला नहीं कहा जा सकता। देखिए, वर्णमाला के लिए एक उसका निर्धारित क्रम है, अगर वह क्रम में नहीं है तो वह वर्णमाला नहीं हो सकती, ठीक है। इसकी परिभाषा लिखेंगे, किसी भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला में सबसे पहले आते हैं स्वर, ठीक है, जैसे कि आ ए आ ई ई उ ओ रि री ए ऐ ओ औ। फिर आता है अनुस्वार, अनुस्वार में सिर्फ एक है अंग। अनुनासिक में चंद्रबिंदु वाला, विसर्ग में अह और व्यंजन क ख ग घ ण जो भी आपका ये होता है उसके अंतर्गत आते हैं व्यंजन। देखिए, ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह, ये होते हैं हमारे व्यंजन। फिर आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में छ त्र ज्ञ और स्र, ये दो व्यंजनों के मेल से बने हैं इसलिए इनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। क्ष बना है श और क से, त्र त और र से, ज्ञ उमा और ज से, स्र स र और स से, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चों, हम पढ़ते हैं स्वर के बारे में कि स्वर होते क्या हैं। स्वर, जैसे कि आपको पता है हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। जिन वर्णों को उच्चारण करने में वायु बिना किसी अवरोध के यानी कि बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है उन्हें कहते हैं स्वर, वो हमारे स्वर होते हैं। स्वरों को उच्चारण करने में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती, वह स्वतंत्र होते हैं। किसी भी तरह की हवा मुंह से कोई वायु बाहर आती है बिना किसी रुकावट के, वो होते हैं हमारे स्वर। अब आते हैं स्वर के भेद। तो बच्चों, स्वर के दो भेद हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें कहते हैं हर्ष स्वर। ये चार हैं, अ ई उ और रि री, ठीक, इनको मूल स्वर भी कहते हैं। फिर आता है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है बच्चों। हर्ष स्वर से दुगना समय जब लगता है तो वो होते हैं दीर्घ स्वर, जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ, ठीक है। ये दो तरह के हमारे स्वर हो गए, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। अब आता है आपका स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं देखिए, कई बार स्वर शब्द के अंदर मूल रूप में प्रयोग होते हैं, शब्द के अंदर जैसे वो हैं वैसे ही, जैसे कि अमर में आ प्रयोग हुआ है मूल रूप में अपने जैसा वो है वैसा ही। फिर है आमना, आमना में भी कोई अंतर नहीं हुआ है, हमने आ को ऐसे ही लिखा है। इकबाल में ई, आई में दोनों, उसका उ, उबाऊ में उ और बड़ाऊ, ठीक है। ये कुछ वर्ड हैं जिनको हमने स्वर को ऐसे ही लिखा है, ठीक है। लेकिन स्वरों को जब व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है, अब व्यंजनों के साथ जोड़ते समय उनका स्वरूप बदल जाता है, तब वे अपने मूल स्वरूप में नहीं रहते, उन्हें हम एक चिन्हों के रूप में प्रयोग करते हैं जिन्हें हम मात्राएं कहते हैं,
ठीक है बच्चों, विभिन्न स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। देखिए ये स्वर लिखे हैं, यह मात्राएं हैं, यहाँ पे मात्रा सहित व्यंजन है और उनसे बने हुए कुछ शब्द हैं। तो आ की कोई मात्रा नहीं होती क्योंकि वो सभी व्यंजनों में पहले से ही जुड़ा होता है, तो इसलिए का, का से कल, कसम, खबर। आ, आ का डंडा होता है, इसमें जुड़ने के बाद ये ऐसे होता है, का पे आ का डंडा, कामना, बाजार, सामान। छोटी की मात्रा इस तरह से लगती है, का पे छोटी की मात्रा से क्या वर्ड बनेंगे, किताब, सविता, जैसे कि देखिए वा पे छोटी की मात्रा, गा पे छोटी की मात्रा और रा पे भी छोटी की मात्रा। तो ये कुछ छोटी की मात्रा के उदाहरण है शब्दों में। फिर आती है बड़ी की मात्रा, वो दाएं से बाएं की ओर लगती है, जैसे दीपक, गरीब, रा पे बड़ी, नकली, ला पे बड़ी की मात्रा। फिर है छोटा ऊ, छोटा ऊ इस तरह से यूज करते हैं हम व्यंजन के साथ, कु तो गैप लगेगी तो इस तरह से लगेगी गुलाब, ने पे भी इस तरह से धनुष और चुल बुल। ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा, क्या पे बड़े ऊ की मात्रा, धूप, कपूर, शालू, ये कुछ बड़े ऊ की मात्रा के शब्द हैं। फिर है रीरी, रीरी की मात्रा ये व्यंजन के नीचे लगती है इस तरह से, जैसे कि कृषक, अमृत और हृदय। ये देखिए है में रीरी की मात्रा यहाँ पर टंगी है तो हृदय। अब आता है ए से एड़ी की मात्रा, तो ये ऊपर लगती है अक्षर के इस तरह से, शेर, सवेरा, अमरेश, ये ए की मात्रा के कुछ उदाहरण हैं। फिर ओ को, जैसे गा पे ओ की मात्रा, गोपाल, समोसा, अखरोट, देखिए यहाँ पे ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। औ की मात्रा, कै पे औ की मात्रा, कौ बन जाता है। फिर गा पे गौरव, मै पे मौसम और यहाँ पे चा पे है तो क चौड़ी, कचौड़ी। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम कैसे स्वरों के व्यंजन के साथ प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी कोई स्वर नहीं लिखा है लेकिन उनके चिन्ह हैं, तो यहाँ पे उनका स्वरूप बदल गया है। ठीक है, अब बच्चों रा पर छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा जो लगती है वो किस तरह से लगती है, देखिए ये भी दोनों अलग तरीके से लगती हैं। तो यहाँ हम देखेंगे रा पे छोटे ऊ की मात्रा जब हम लगाते हैं तो बस सिर्फ ऐसे हल्का सा कर्व करते हैं। तो इसके कुछ वर्ड हैं, चारू, रुझान, रुपया, मरुस्थल, रुक्मणी, रुखसाना और रुचि। रा पे बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से लगेगी, अमरूद, रूखा, शुरू, रूठना, जरूरत, रूपमती और रूस। तो आपने देखा छोटा ऊ और बड़ा ऊ कैसे रा पे यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों अनुस्वार, अनुस्वार यानी कि अंग की बिंदी। ठीक है, अनुस्वार स्वर के बाद आने वाली नासिकीय यानी कि जिसका उच्चारण नाक से हो उसे कहते हैं नासिकीय ध्वनि होती है। इसका उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है, इसके बाद सदैव कोई व्यंजन आता है। अनुस्वार का प्रयोग प्रत्येक व्यंजन वर्ग के पंचम वर्ण, जब हम जैसे कि का के सबसे लास्ट में क्या आता है, णा, ठीक है, ये वो पंचम वर्ण है, के स्थान पर बिंदु के रूप में किया जाता है। अनुस्वार का उच्चारण उसी वर्ग के पंचम वर्ण की तरह होता है जो अनुस्वार के तुरंत बाद आया हो, जैसे यहाँ पे लिखा है सामान्य शब्द है अंक, इस तरह से लिखते हैं इसको, लेकिन अनुस्वार का प्रयोग करके हम इसको इस तरह से लिखते हैं, आ और का और यहाँ पे अंक की बिंदी। फिर है ठंडा, तो ठंडा ये वाला अण यूज हुआ है इसमें आधा, तो यहाँ पे हमने डॉट लगाया तो ऐसे लिखा गया ठंडा। अब है संपत, संपत में डॉट लगा दिया, मा हटा दिया, सिर्फ डॉट लगा दिया। फिर आता है बच्चों कंचन, कंचन में ये जो ये वाला जो ऊ होता है जो कि पंचम वर्ण है, इसको भी डॉट की तरह यूज करते हैं, तो हमने यहाँ लिखा कंचन। फिर है बंदर, आधा ना, तो यहाँ पे बंदर, चंबल, फिर डॉट लगा दिया, आधा मैं हटा दिया तो चंबल। इस तरह से हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पे आपका नेक्स्ट पेज पे लिखा है यह भी याद रखिए, मतलब ये हमारी याद रखने योग्य बातें हैं। यदि आ रहित पंचम वर्ण के बाद पंचम वर्ण यानी कि या वा में कोई आया हो तो वहां अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता।
ऐसे स्थानों पर आरहित पंचम वर्ण ही आता है, जैसे अम्मा, गन्ना, भिन्न, धन्य, मम्मी, कन्या, चम्मच, सम्मान, अन्न, पुण्य, वन्य और कन्व। तो ये बात ध्यान रखने वाली है, यदि आरहित पंचम वर्ण के बाद आरहित यानी कि आके रहित या तो या हो या वा, ठीक है, तो वहां पे अनुस्वार प्रयोग नहीं होता, ठीक है। या ये खुद ही यह है, इसमें देखिए वा, इसलिए यहाँ पे ये इसके बाद पूरा प्रयोग हुआ है, वा और ना है यहाँ पे दोनों, तो आधा हुआ है। यदि सम के बाद या र ल व श श ह में कोई आया हो तो माँ के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। ये आपको बातें याद करनी है ध्यान से, ठीक है। तो जैसे कि संयम, ठीक है, संवाद, समहार, ये लिखा है ना, सम के बाद या आया हो, ल र व श श ह इनमें से कोई आया हो तो माँ के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। आपको ये याद रखना है, एक तो यह वाला जो वर्ण होता है या र ल व श और श श श श ह, ये अगर पहले आए बाद में आए हो तो हम इसको एज इट इज अनुस्वार का प्रयोग के साथ ही लिखते हैं, ठीक है। अब आता है बच्चों आपका अनुनासिक। अनुनासिक ऐसी ध्वनि है जिसका उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है, जैसे हाँ नाक से भी है और मुख से भी है, हंसी, बांध, सांट, चांदनी, कप कपी, बूंद, फांसी आदि आदि। अनुनासिक को चंद्रबिंदु भी कहते हैं। याद रखिए व्यंजन के ऊपर कोई भी मात्रा लगी हो तो अनुनासिक के स्थान पर केवल बिंदु आता है, जैसे मैं नाक से बोल रहा है, मुख से ही बोल रहा है लेकिन चंद्रबिंदु नहीं लगा है क्योंकि मात्रा है। रेंगना, यहाँ पे भी सिर्फ डॉट लगा है, कहीं क्योंकि मात्रा है, मात्रा के बाद चंद्रबिंदु नहीं लगता यहाँ पे, इसके तुरंत बाद अगर यूज हो रहा है यहाँ लग सकता है, यहाँ नहीं लग सकता, ठीक है। छींका, कोपल, सौंफ आदि, तो ये बात आपको ध्यान रखने योग्य है, ठीक है। अब उसके बाद आपका नंबर आता है विसर्ग। अब विसर्ग क्या होता है? विसर्ग का प्रयोग संस्कृत में हिंदी में आए, संस्कृत से जो वर्ड हिंदी में आए हैं तत्सम शब्दों में होता है, वो होते हैं तत्सम शब्द, जैसे कि सामान्यतः, संभवतः, प्रायः, प्रातः, निस्वार्थ, निसंदेह, निशेष, दुख, अतः, स्वतः आदि, ठीक है। तो बच्चों जहाँ विसर्ग होता है, विसर्ग का उच्चारण हम ह की तरह करते हैं, जैसा आपने देखा है सामान्यतः ह, तो जब विसर्ग लग जाता है तो उसका उच्चारण ह की तरह होता है, ठीक है। हिंदी के अपने शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता, ये जो संस्कृत से वर्ड आए हैं हिंदी में उन्हीं में प्रयोग होता है, ठीक है। अब आता है आपका व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख से ना मुख से किसी ना किसी भाग से टकराते हुए बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का उच्चारण आ ध्वनि की सहायता से होता है, आ स्वर की जो ध्वनि होती है उसकी सहायता से ही व्यंजन का उच्चारण होता है। अगर व्यंजन को स्वर रहित लिखना हो तो उसके नीचे ये हल्का चिन्ह लगाते हैं, हलन जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बिना इसके लिखेंगे, जैसे हमने देखा था अभी हमने टुकड़े किए थे वहां पे बुढ़िया और किताब शब्द के, तो हमने का जैसे का फिर हलन फिर बछोटी ऐसे। अब आते हैं आपके व्यंजन के भेद। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती हुई आती है उन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। जैसे बोल के देखेंगे हम क वर्ग में क ख ग घ ण, देखिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 27 यानी कि 27। तो क वर्ग भी स्पर्श व्यंजन होता है पूरा, च वर्ग भी पूरा स्पर्श व्यंजन होता है, ट वर्ग भी पूरा स्पर्श व्यंजन होता है, त वर्ग भी और प वर्ग भी, ये सभी 27 जितने भी व्यंजन हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है।
स्पर्श व्यंजनों को पांच वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का नामकरण उस वर्ग के पहले वर्ण के नाम पर किया गया, जैसे कि ये च है तो च वर्ग हो गया, पहला अक्षर इसका ट है तो ये टा वर्ग हो गया, ता है तो ता वर्ग हो गया, इस तरह से। फिर आता है बच्चों आपका अंतस्थ व्यंजन, ये भी देखिए मैंने यहाँ पे अंत बोला क्योंकि विसर्ग लगा है। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों को उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का सा होता है, मिक्स होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है, अर्ध यानी कि बीच में है ना, वो ना तो उधर के ना उधर के। अंतस्थ चार व्यंजन है, य र ल व, ये चार ही होते हैं। कौन कौन से? य र ल व। आप सबको बोल के देखेंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नंबर तीन है ऊष्म व्यंजन। अच्छा, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु रगड़ खाती है, रगड़ खाती हुई मुख से बाहर आती है जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, जैसे ऐसे व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म मतलब कि ताप होता है ना, उसको बोलते हैं ऊष्म। ये व्यंजन चार ही हैं, जैसे श, श, स और ह। तो इनसे कुछ रगड़ खा रही है ना वायु, जैसे कि श, आप बोल के देखिए, श, श, स और ह, ये होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन, ये चार हैं। फिर आते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। ये व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों से मेल खाते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, क्योंकि ये दो व्यंजन मिलके बने हैं इसलिए इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। तो क्षमा, कक्षा, रक्षक, त्र से सत्र, त्रैमासिक, त्रिलोक, ज्ञान, विज्ञापन और यज्ञ, श्र से श्रवण, मिश्रण और श्रीमान, ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। 1, 2, 3, 4 हो गए। उसके बाद आते हैं आपके द्वित्व व्यंजन। द्वित्व का अर्थ है दोहरा, यानी कि डबल। जब स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है, स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तो एक संयुक्त व्यंजन बनता है जिसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे अब देखो, स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से, जैसे कि आधा का पूरा का, यानी कि ये जो आधा का है वो स्वर के बिना है और ये वाला स्वर के साथ है, तो ये होते हैं द्वित्व व्यंजन। जैसे कि क, चच, बब, नन, दद, चज, टड, मम, तो ये कुछ वर्ड हैं। छक्का, पक्का, चक्की, कच्चा, बच्चा, सच्ची, अब्बा, गुब्बारा, बब्बर, अन्न, भिन्न, खिन्न, तो ये द्वित्व व्यंजन के कुछ उदाहरण और हैं, आप इनको भी पढ़ना, ठीक है। अब आपको ये बात क्लियर होगी कि द्वित्व कौन से होते हैं, आधा और पूरा। सेम व्यंजन होता है लेकिन पहला आधा होता है और दूसरा पूरा होता है, यानी कि पहला बिना स्वर के और दूसरा स्वर के साथ। उसके बाद आता है आपका आगत वर्ण। हिंदी में कुछ ध्वनियां दूसरी भाषाओं से भी आई हैं तो इसलिए उन्हें आगत वर्ण कहते हैं, ऐसी ध्वनियों को कहते हैं आगत वर्ण। भाषा में उच्चारण की सामर्थ्य और शुद्धता बनाए रखने के लिए आगत वर्णों का प्रयोग किया जाता है, ताकि वो सामर्थ्य और शुद्धता बनाए रखे इसलिए आगत वर्णों का भी प्रयोग किया जाता है। हिंदी में दो प्रकार के आगत वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर में अ, जैसे कि जो अंग्रेजी में जो शब्द होते हैं जैसे कॉपी, हॉस्पिटल, डॉक्टर, बॉल, इसमें होता है अ का प्रयोग, ये आगत वर्ण है, ठीक है। व्यंजन में ज और फ, जैसे इन ध्वनियों का प्रयोग अरबी और फारसी शब्दों में होता है, जैसे कागज, जिंदगी, दफ्तर, मजाक, जमीन, फैसला, सफेद, जहाज, सजा, सफर, सफाई आदि शब्दों में, तो ये व्यंजन आगत व्यंजन है, अ और ज और फ, स्वर में अ, व्यंजन में ज और फ, ठीक है बच्चों। अब आता है आपका वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का क्या मतलब होता है? किसी शब्द में आए हुए सभी वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है, ठीक है। वर्ण विच्छेद का ज्ञान होना इसका मतलब यह है कि आपको शब्द रचना समझ में आ गई है, इसे जानने से शब्दकोश का प्रयोग करने में भी आसानी हो जाती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कुछ वर्ण हैं, शब्द हैं, वहां पे इनका वर्ण विच्छेद इस तरह से किया गया है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इस शब्द में कौन कौन सी ध्वनि है उनके टुकड़े कीजिए, यही वर्ण विच्छेद के अंतर्गत आता है।
उसके बाद बच्चों ये देखिए आप यहाँ लिखा है हमने सीखा। इसमें मेन मेन पॉइंट हैं जो कि इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपको सभी को लर्न होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। और आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके बाय।